नमस्कार। शुभ समय का चयन कैसे किया जाए, इसके बारे में जरा हम जानकारी ले लेते हैं। गणेश जी की कृपा से शुरुआत करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभ समय चयन की जरूरत क्यों है? आमतौर पर हर भारतीय शुभ समय चयन करने के लिए सलाह लेता है। वह निर्भर होता है इसकी जानकारी रखने वाले इंसान पर, जिसे हम पंडित कहते हैं। जीवन में ऐसे कई मौके हैं, जैसे कि सगाई, शादी, व्यापार, साक्षात्कार, यात्रा, मकान खरीदना या बेचना या बनाना, गृह शांति, गृह प्रवेश, पूजा इत्यादि अनगिनत है अपने लिए या परिवार जन के लिए। तब हमें तलाश होती है सही सलाहकार। पंडित की सही सलाहकार ढूंढना कठिन होता है। अगर हम ही इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वयं के सलाहकार हो जाए तो क्या कहना। यह बड़ा आसान है, बस इसी को हम वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आओ चले सीखे शुभ समय का चयन करना। इसके लिए जरूरत है हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर या पंचांग की। यह आसानी से उपलब्ध रहता है स्टेशनरी स्टोर्स में, मात्र 15 से 25 रुपए इसकी कीमत होती है। पंचांग क्या होता है? पंचांग बना होता है तिथि वार नक्षत्र योग करण से, जिसे हम अब देखेंगे। इसके अलावा पंचांग में बहुत सारी जानकारी होती है। पंचांग को एस्ट्रोलॉजिकल डायरी भी कहते हैं। यह एक रेफरेंस के लिए अप्रैल 2013 का पंचांग लिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें काफी सारी जानकारी है। इसको एक एक करके हम समझेंगे। शुभ समय का चयन चार्ट भी होता है, जिसका भी उपयोग हम करेंगे। ये अच्छा है, शुभ है या डिसीजन लेना है नहीं, इस चार्ट से पता चलता है। तो आओ सीखें। आप देखेंगे आप मतलब तिथि वार नक्षत्र योग करण सनराइज सनसेट डेट 11 अप्रैल 2013 सन कैलेंडर जो दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड में मून कैलेंडर लिखा है, जो कि प्रतिपदा द्वितीया तृतीया ऐसे करते करते पूर्णिमा और अमावस्या तक जाता है। इस कैलेंडर में 11 अप्रैल 2013 से चलते हुए 25 अप्रैल 2013 ये चैत्र शुक्ल पक्ष का कैलेंडर है। उसी तरह से चैत्र कृष्ण पक्ष होता है। आप देखेंगे तिथि के लिए समय दिया है उस वार के सामने, तो वो जैसे प्रतिपदा तिथि गुरुवार को है, वो तिथि 15:56 पर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में उसमें अश्विन नक्षत्र है, जो कि 23:04 पे ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से हम इसकी जानकारी लेते हैं। मान लो कि हमें जर्नी परफॉर्म करनी है 15 तारीख को, तो 15 तारीख को आप देखेंगे लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो पंचमी है, सोमवार है और नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र 6:40 पे ख़त्म हो जाता है। तो हमको जर्नी 6:40 के बाद करनी है तो मृग नक्षत्र हो जाएगा। तो हम सोमवार में मृग नक्षत्र का कॉम्बिनेशन में क्या फल होता देखते। सोमवार में मृग नक्षत्र। आप ये चार्ट में देखिए सोमवार, सोमवार के सामने देखिए मृग नक्षत्र और नीचे में सिद्धि है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम इसको लेके अपनी यात्रा जरूर कर सकते हैं। ये इस तरह से बनाया हुआ एक एग्जाम्पल है। जीवन में ऐसे कई मौके, जैसे कार खरीदना है तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है और हमारे सुख शांति के लिए जीवन भर रहे। तो अगर हम पंडित से सलाह ले, वो सलाह सही दे रहा है नहीं, इसकी जानकारी नहीं होने से हम मन में डाउट होता है। अगर यह ज्ञान हम इसी माध्यम से प्राप्त कर अगर क्रॉस चेक कर ले, तो बहुत बड़ी एक मन में शांति प्राप्त हो सकती है। यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय हुम। धन्यवाद।